हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने लिप्स को नेचुरली पिंक कैसे बना सकते हो। लिप्स के ऊपर की जो पिगमेंटेशन है, जो ब्लैक हो गया, एकदम डार्क हो गई है, सन टैन की वजह से भी जो ब्लैक हो गया है, आप इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हो, कैसे रिमूव कर सकते हो और अपने लिप्स को एकदम नेचुरली पिंक बना सकते हो। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अभी मैंने अपने लिप्स पे कुछ भी अप्लाई नहीं कर रखा है। मेरे लिप्स पे ना कोई लिप बाम है, ना कोई लिपस्टिक है, मेरा नेचुरल लिप्स है और ये ट्राई करने की वजह से हुआ है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। चलो तो आप देख लो कि इसको बनाने कैसे है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक पतीली ले लेनी है, उसमें पानी को एकदम उबाल तक गर्म कर लेना है और उसके ऊपर एक छोटा सा कटोरा रख देना है। उसके बाद यहाँ पे हम पहला इंग्रेडिएंट लेंगे वैसलीन। वैसलीन या आप अपना कोई सा भी लिप बाम भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने लिप बाम लिया है वैसलीन। ओके, यहाँ पे मैंने छोटा वाला लिया था। अब इसको मैं अच्छे से उसमें मेल्ट होने दूंगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं लूँगी बीट रूट पाउडर। ये वाला बीट रूट पाउडर एकदम नेचुरल है और ऑर्गेनिक है और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू दे रखी हूँ। बीट रूट आपके लिप्स को बहुत अच्छी तरीके से पिंक करता है और आपके पिंक लिप्स को नेचुरली पिंक बनाने में मदद करता है। उसके ऊपर जितनी पिगमेंटेशन है उसको बहुत अच्छी तरीके से रिड्यूस करता है और आपके मतलब लिप्स में नेचुरल कलर लेके आता है। आपको आर्टिफिशियल कलर की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम ले रहे हैं वाइटामिन ई की कैप्सूल। वाइटामिन ई की कैप्सूल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। आपके जितने भी लिप्स पे पिगमेंटेशन है, डार्कनेस है, जो ब्लैक हो गया है ना, उसको बहुत अच्छी तरीके से रिड्यूस करता है। इसलिए यहाँ पे मैंने दो वाइटामिन ई की कैप्सूल ली हूँ। आप भी दो लेना, जितनी भी आप क्वांटिटी लोगे ना उस हिसाब से आपने लेना है। बीटरूट का पाउडर है ना, आपको एक चम्मच लेना है, लेकिन यहाँ पे आपको दो वैसलीन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने वापस से एक ऐड की थी। ओके, तो इसको अच्छे तरीके से मेल्ट मैंने कर लिया और सबको एक साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसको ना थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, ठंडा जो आप सहन कर सको। उसके बाद आप कंटेनर में इसको अच्छे तरीके से खाली कर दो। यहाँ पे मैंने वैसलीन के कंटेनर में इसको अच्छे तरीके से खाली कर लूँ। खाली करने के बाद इसको आप अपने फ्रीज़र में, मतलब आप फ्रीज में इसको अच्छे से स्टोर करके रखना है, कूल जगह पर। ओके, देखो मैंने अच्छे से इसको स्टोर कर ली हूँ। अब इसको हम अपने लिप्स पर लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ले ली हूँ और इसको मैं अच्छी तरीके से अपने लिप्स पे लगाऊंगी। देखो कितनी अच्छी तरीके से जम गया है। वैसलीन बहुत अच्छी तरीके से जम जाती है, लाइक कोई भी लिप बाम। देखो लगाते साथ कितना अच्छा वाला कलर आया, क्योंकि इसके अंदर हमने बीटरूट ऐड किया है। ये आपके लिप्स को ना बहुत अच्छी तरीके से पिंक लिप्स को बहुत अच्छी तरीके से पिंक करती है। आपको इसको कब कब लगाना है, आपको इसको नाइट में सोने से पहले लगाना है, आप इसको रोज़ लगाए। ओके, जितना रोज़ लगाओगे इतना अच्छा आपको ये इफ़ेक्ट देगा, उतने जल्दी आपके लिप्स में ये पिंकिशपन लेके आएगा और जो भी ब्लैकनेस है उसको कम करेगा। रोज़ लगाओ और इसको लगाने के बाद अच्छी तरीके से दो मिनट तक आपको ना मसाज देना है अपने लिप्स को। देखो जिस तरह से मैं दे रही हूँ, सर्कुलर मोशन में मसाज देना है अपने लिप्स को लगाने के बाद दो मिनट तक, और उसको ओवरनाइट रखना है। उसको आप कभी भी लगा सकते हो, दिन में लगा सकते हो, इसे लगाने से कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि इसी तरह से आप लगा के इसको सर्कुलर मोशन में मसाज दे सकते हो और इसको आराम से आप स्टोर करके रख सकते हो एक मंथ तक। जब तक आपका ख़त्म नहीं हो तब तक आप स्टोर करके रख सकते हो। ओके, तो कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दो, अगर नहीं पसंद आए तो मत करो, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताओ। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि फ्यूचर में जितनी भी मेरी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।